नमस्कार दोस्तों दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से फोन सर। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है यूनिवर्सल यूनिवर्सल सी टाइप चार्जिंग जैक। क्योंकि अभी जितने सारे 5G फोन आ रहे हैं, जितने 4G फोन है, उन सभी फोनों में सी टाइप चार्जिंग जैक लगा हुआ है। और अपने पास सी टाइप चार्जिंग जैक रिप्लेसमेंट कराने के लिए बहुत सारे कस्टमर आते हैं, लेकिन बात यहाँ पे ये होता है कि सी टाइप का चार्जिंग जैक कौन कौन सा चार्जिंग जैक रखें जो कि लगभग फोनों में हमारा मैच कर जाए, हमारे पास कस्टमर रिटर्न ना जाए। यूनिवर्सल चीजों के बारे में जानकारी ही इसीलिए देते हैं क्योंकि कम पैसे में, कम बजट में आप अपने दुकान में वो सारे पार्ट्स को रख पाएंगे जो हमारे पास कस्टमर आता है। तो चलिए दोस्तों आज का जो ये वीडियो है ये है बेसिकली Redmi का फोन के लिए, क्योंकि Redmi का फोन काफी ज्यादा मार्केट में फैला हुआ है। बाकी आपको ये रिक्वायरमेंट होगा और भी सैमसंग का सी टाइप चार्जिंग जैक यूनिवर्सल का, तो हमें कॉमेंट करेंगे। वीवो ओप्पो जितने भी सारे फोन है सारे फोनों का है, लेकिन फिर भी इसमें जो चार्जिंग जैक है वो भी आपका अदर अदर फोनों में भी कुछ मैच करता है। लेकिन फिर भी बेसिकली जो ये वीडियो है वो Redmi का फोन के लिए है और Redmi का फोन का सी टाइप चार्जिंग जैक आप इस वीडियो में आपको 50% हम बता दिए कि इतने सारे होगा तो लगभग फोन में हो जाएगा। एक और पार्ट टू वीडियो लेकर के आएंगे अगर आपका रिक्वायरमेंट होगा तो, कि सी टाइप चार्जिंग जैक पार्ट टू वीडियो लेकर के आइए Redmi फोनों का, तो हम वो वीडियो लेकर के आएंगे जिससे आपका पूरी बारीकी से सारे चार्जिंग जैक आपका आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं कि कौन कौन सा मॉडल का चार्जिंग जैक अपने पास होगा जो कि लगभग सारे फोनों में सी टाइप का चार्जिंग जैक मैच कर जाएगा और आपके पास जो कस्टमर आएगा वो बहुत कम रिटर्न जाएगा। मतलब जो भी कस्टमर आपके पास सी टाइप चार्जिंग जैक के लिए आएगा वो आपके पास अवेलेबल होगा क्योंकि आपको जानकारी होगा यूनिवर्सल चार्जिंग जैक के बारे में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों इस वीडियो में आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो यूनिवर्सल किस टॉपिक पे आपको चाहिए, और ये भी कमेंट करके बताएंगे कि ये वीडियो देखे तो आपको क्या बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, इस टाइप का वीडियो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। चलिए दोस्तों समय बर्बाद न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, और इस वीडियो में ये यूनिवर्सल सी टाइप चार्जिंग जैक लिस्ट। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आगे क्या है नहीं है। तो Redmi Note 9 5G का अगर आपके पास चार्जिंग जैक ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर आप दुकान में जाओगे तो मॉडल नंबर से आप चार्जिंग जैक लेना चाहोगे तो दुकान वाले भाई को भी सारे मॉडल में कौन जैक लगता है ये पता नहीं है, तो उसके लिए हम चार्जिंग जैक का सैंपल ले आए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, सेम टू सेम मैच करके लेना ताकि आपके पास एक स्टॉक हो जाए, आपके पास जो कस्टमर आए वो 9 के बराबर रिटर्न जाए, आप कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा सर्विस दे पाएंगे। क्योंकि चार्जिंग जैक का समस्या खूब ज्यादा आता है और चार्जिंग जैक खूब महंगा नहीं आता है, और अगर डोंगल हम खरीदेंगे तो काफी महंगा आएगा, और सारे फोनों का डोंगल खरीद के रखना ये संभव बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उसमें बजट काफी हाई चल जाएगा। कम बजट में हमें अपना दुकान चलाना है, कम बजट में हम अपना बिजनेस करना है, तो उसके लिए यूनिवर्सल का जानकारी होना ही चाहिए। तो ध्यान रहे Redmi Note 9 5G का अगर आपके पास में चार्जिंग जैक है तो ये बहुत सारे फोनों में मैच करता है, काफी कम से कम 15 फोन से प्लस में मैच करता है ये चार्जिंग जैक। हम वो चार्जिंग जैक यहाँ पे सैंपल लेकर के आए जो ज्यादा फोनों में लगता हो, तो इसको आप जरूर लेंगे, ये हॉट है, अपने मार्केट में खूब ज्यादा चलता है। नेक्स्ट जो चलते हैं वो नेक्स्ट हमारा कौन है, Redmi Note 10 Pro 5G। Redmi Note 10 Pro 5G का चार्जिंग जैक काफी ज्यादा आ रहा है, तो ये चार्जिंग जैक का स्क्रीनशॉट आप ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारे फोनों में मैच कर रहा है, लग रहा है जो भी चार्जिंग जैक यहाँ पे दिखा रहे हो ना वो एक फोनों में नहीं 8, 9, 10 प्लस फोनों में लगेगा, ये 100% है। क्योंकि ये सारी चीज हम लोग रिप्लेसमेंट किए हैं तब जाकर के इसका वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे कौन सा मॉडल है, तो Redmi Note 11 Plus 5G। जो भी हम मॉडल आपको दे रहे हैं, जो भी चार्जिंग जैक दे रहे हैं वो 5G फोनों के लिए, मतलब 2024 का अपडेट ये लेटेस्ट है, ये आपके जानकारी होना चाहिए। ये चार्जिंग जैक रखेंगे काफी सारे फोनों में ये सपोर्ट कर रहा है, ये Redmi फोन के लिए हम वीडियो बना रहे हैं लेकिन ये अलग भी फोन में सपोर्ट बहुत सारे में करता है,
फिर भी ये रेडमी के लिए अपने पास होना चाहिए। ओप्पो वीवो के लिए अलग आपका रिक्वायरमेंट रहेगा तो अगला वीडियो लेकर के जरूर आएंगे। आगे रेडमी नोट 8 प्रो, रेडमी नोट 8 प्रो का चार्जिंग जैक अपने पास होना चाहिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी यूनिवर्सल है, काफी ज्यादा चलने वाला चार्जिंग जैक है, ये अपने पास जरूर खरीद के रखो। कम से कम तो 5 पीस रखो ही रखो, आप पैसा कमाओगे तो ऑटोमेटिक ये सब चार्जिंग जैक आप 100-100 पीस रखोगे, लेकिन एक बार लत तो लगना चाहिए। आप सीसी बोर्ड चेंज करने का लत लग गया उसको हटाओ, पैसा ज्यादा कमाना चार्जिंग जैक को चेंज करना शुरू करो। चार्जिंग जैक चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं, भी टाइप जैसे करते ना वैसे ये भी एक और दो को चेंज करोगे तो बाबा इसका भी हीरो आप बन जाओगे। चलते हैं आगे, अगला कौन सा चार्जिंग जैक अपने पास है, तो रेडमी नोट 13 प्रो, ये भी आपका 5G फोन के लिए है, बहुत सारे लेटेस्ट 4G 5G में लगता है सपोर्ट करता है, तो ये वाले चार्जिंग जैक अपने पास होना चाहिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, अगला कौन सा चार्जिंग जैक है, रेडमी नोट 10 प्रो, रेडमी नोट 10 प्रो का भी ये चार्जिंग जैक अपने पास होना चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी रनिंग है, 10 20 50 फोनों में ये सपोर्ट करता है, काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। आगे चलते हैं, रेडमी 10T प्रो 5G, ये भी जो मॉडल है बहुत ही हॉट मॉडल है, ये भी अपने पास होना चाहिए, हमारी मार्केट में काफी ज्यादा ये चार्जिंग जैक लगता है, काफी ज्यादा डिमांड होता है। आगे चलते हैं, वो क्या है, रेडमी नोट 7, रेडमी नोट 7 ये भी चार्जिंग जैक होट है, ये चार्जिंग जैक अपने पास रखना चाहिए, चार्जिंग जैक का हम फोटो भी लेकर के आए ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये चार्जिंग जैक खरीदें, ये सब इंपॉर्टेंट चार्जिंग जैक है। आगे चलते हैं, रेडमी 10 5G, ये भी चार्जिंग जैक बहुत ही रनिंग है, बहुत सारे फोनों में सपोर्ट करता है, ये चार्जिंग जैक अपने पास होना चाहिए, लगाना बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। सी टाइप चार्जिंग जैक का भी लगाने का वीडियोस हम अपलोड कर देंगे, जिससे आपको जानकारी मिल जाएगा, लगाने में भी हेल्प हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला कौन सा मॉडल है, तो अगला है रेडमी 12। देखो मॉडल नंबर आप इसलिए लिख दिया ना क्योंकि आप जाओगे दुकान तो मॉडल नंबर से भी तो आप गूगल में सर्च करके मैच करके देख करके ले सकते हो, इसीलिए हम फोटोज भी ले आए, मॉडल नंबर भी ले आए ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये वाले चार्जिंग जैक भी बहुत हॉट है, इसको भी अपने पास रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, रेडमी नोट 9 4G, ये वाला चार्जिंग जैक भी काफी सारे फोनों में सपोर्टेड करता है, तो ये जरूर चार्जिंग जैक अपने पास रखें, ये चार्जिंग जैक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। चलते हैं अगला मॉडल में, और अगला मॉडल में हमारा कौन सा है, रेडमी K30 Pro। देखिए रेडमी K30 Pro ये सब लेटेस्ट मॉडल है और ये सब चार्जिंग जैक, ये चार्जिंग जैक काफी सारे फोनों में सपोर्ट करता है, तो ये भी अपने पास जरूर होना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला क्या है, अगला है MI Note 2, ये भी चार्जिंग जैक मार्केट में आता है, बड़े बड़े फोनों में आते हैं, तो ये सब चार्जिंग जैक ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 पीस करके जरूर रखो, क्योंकि ये सब कस्टमर आएगा तो अच्छा आपको बेनिफिट दे करके जाता है, तो ये चार्जिंग जैक होना चाहिए। आगे चलते हैं, अपना MI 9, ये भी चार्जिंग जैक हॉट है, ये भी काफी सारे फोनों में सपोर्ट करता है, तो ये भी चार्जिंग जैक अपने पास जरूर होना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला कौन सा मॉडल है, रेडमी 5S, ये भी चार्जिंग जैक अपने पास होना चाहिए दोस्तों, काफी रनिंग है और ये सब बड़े बड़े फोनों में आता है, और ये 5G फोनों के लिए हम आपको ये वीडियो दे रहे हैं ताकि लेटेस्ट जो आपके पास चार्जिंग जैक रिप्लेसमेंट करने के लिए आए वो आप यूनिवर्सल खरीद करके रखो, जिससे आपके पास कस्टमर रिटर्न नहीं जाएगा, ज्यादा कस्टमर को सर्विस दे पाएंगे दोस्तों। तो ये, और ये है MI 8 SE, ये भी चार्जिंग जैक काफी हॉट है, इसको भी आप अपने पास जरूर रखेंगे, इसका डिमांड भी अच्छा खासा है दोस्तों। और आगे क्या है, MI 11 Ultra, ये चार्जिंग जैक भी काफी हॉट है, इसका भी डिमांड काफी मार्केट में, बड़े बड़े महंगे महंगे फोनों में लगते हैं, लेकिन आप एक चार्जिंग जैक चेंज करोगे जिसमें अच्छा मार्जिन आपको मिल सकता है, इसलिए ये सब ज्यादा नहीं तो कम से कम 2-4 पीस रखना ही चाहिए, क्योंकि मकसद ये होना चाहिए कस्टमर रिटर्न नहीं जाना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला कौन सा चार्जिंग जैक है, तो ये है Redmi 3 Xiaomi 3 Pro, ये भी आपका काफी ज्यादा फोनों में लगता है दोस्तों, और ये भी महंगा फोन
है और ये सब का चार्जिंग जैक होना चाहिए, कम होगा लेकिन होना चाहिए, क्योंकि दुकान उसी का चलता है जिसका दुकान में मेल होता है। अगर आपके दुकान में मेल है, कस्टमर रिटर्न नहीं जाता, तभी आपका दुकान अच्छा चलेगा। अब कस्टमर को एक सामान दोगे एक सामान नहीं दोगे तो वो धंधा नहीं चलेगा आपका। इसलिए मेल के लिए यूनिवर्सल के बारे में जानकारी रखो, और ज्यादा नहीं तो कम रखो, लेकिन जरूर रखो। कस्टमर रिटर्न नहीं जाना चाहिए मेरे भाई, दुकान चलाना है तो कस्टमर रिटर्न नहीं जाना चाहिए। अगला चलते हैं, अगला कौन सा मॉडल अपने पास में है तो देखते हैं आगे कौन सा है। ये हमारा लगता है ये लास्ट इसमें है दोस्तों। रेडमी का फोनों में हम इतने सारे फोनों को कवर किए हैं, और रेडमी का पार्ट टू वीडियो अगर चाहिए कुछ सी टाइप चार्जिंग जैक छूटा हुआ है तो आप कमेंट करेंगे, कमेंट के अकॉर्डिंग जरूर हम वीडियो लेकर के आएंगे। और ये सी टाइप चार्जिंग जैक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सैमसंग फोनों में लगभग में सी टाइप आता है, ओप्पो में भी अभी जितने सारा आ रहा है, वीवो में भी जितने सारा आ रहा है, रियलमी भी जितने सारा आ रहा है, पोको में जितने सारा आ रहा है, सभी में सी टाइप चार्जिंग जैक है। आपको पता होना चाहिए चार्जिंग जैक का समस्या सबसे अधिक आता है, क्योंकि चार्जिंग जैक ही एक ऐसा चीज है जो दिन में चार बार लगातार निकालता है, जिसके कारण वो खराब जल्दी होता है। और इसमें अच्छा अर्निंग हो जाता है, आप चार्जिंग जैक चेंज करते हो सी टाइप तो 250-300 रुपए आराम से बिल बनता है। तो दोस्तों ये सी टाइप चार्जिंग जैक का यूनिवर्सल वीडियो पार्ट वन लेकर के आए। अगर इस तरह का वीडियो इंटरेस्ट आपको देखना पसंद है तो आप कमेंट करेंगे, जरूर वीडियो लेकर के आएंगे। और कौन सा यूनिवर्सल वीडियोस आपको जानकारी चाहिए, जानकारी लेना है, कौन सा यूनिवर्सल वीडियो चाहिए, कौन सा फोनों को चाहिए, वो कमेंट करेंगे तो जरूर हम आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। दोस्तों आप सभी ने हमारे वीडियो को बहुत ही कीमती समय देकर के देखते हैं, इसलिए आप सभी को दिल से नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।